पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चैत्र नवरात्र में रविवार को माता रानी के पांचवें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की गई। तड़के से ही मंदिरों में भीड़ उमड़ी रही। काली माता मंदिर भीड़ की वजह से दोपहर 2:30 बजे तक खुला रहा, तो वहीं रेलवे कॉलोनी स्थित मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में सुबह मुख्य पुजारी हरिदत्त जोशी ने हवन कराया, तो वहीं शाम को महिलाओं ने कीर्तन किया। इस अवसर पर विपिन कुमार शुक्ला, सुभाष मल्होत्रा, बिल्लू कत्याल, संजय त्यागी, महेंद्र कुमार, रतन कुमार शर्मा, प्रणव कुमार गुप्ता, अनु अग्रवाल आदि सभी व्यवस्था में लगे रहे। इस अवसर पर बताया गया कि प्रातःकालीन सत्र में हवन पूजन करने के बाद सायंकालीन सत्र में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। बहुत ही सुंदर सब दृश्य था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, सब इंतज़ाम बहुत अच्छा था, सजावट यहाँ की बहुत अच्छी है, दिन पर दिन प्रतिदिन यहाँ पे तरक्की हो रही है, सब यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है, सब अपना बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। बिल्लू भाई जी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब लोगों का प्रोग्राम है, सब लोगों की व्यवस्था बहुत अच्छी है, अच्छा व्यवस्था है यहाँ की। यहाँ आके बड़ा सुकून और बहुत शांति मिलती है, व्यवस्था देख के यहाँ पर आरती में शामिल होकर बहुत अच्छा लगता है। क्या मान्यताएं रहती है अगर माना जाए तो? ना मान्यता तो ये है कि बिल्कुल जो विश्वास लेके आओ वो पूरा होता है, शांति मिलती है, और सबसे बड़ी सजावट बहुत बढ़िया, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, व्यवस्था सब बढ़िया है, सब आनंद में है। कोई संदेश देना चाहेंगे भाई? यही मतलब शांति, प्रेम और भक्ति, और क्या ये मंत्रोच्चारण के साथ में जो पूजा होती है बहुत ही ज़्यादा शांति और आनंद मिलता है इसमें, और बहुत ही अच्छा लगता है पूजा। कब से आ रहे हैं आप? हम कई सालों से आ रहे हैं, मतलब 15-20 साल हो गए होंगे हमें आते हुए, और हर साल हम यहाँ आते हैं और हवन में भाग लेते हैं, और बहुत मतलब विधि विधान के साथ पूजा अर्चना बहुत अच्छी होती है, और मंत्रोच्चारण का तो एक अलग ही मज़ा आता है उसके साथ पूजा करने में।